नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई 2021 मैं इस वक्त खड़ा हूँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नागाम के बाहर जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आता है। ये जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, खासकर हमारी माओ बहनों को। हम सब माँ बहने वाले हैं। यहाँ पे उनको जब वो यहाँ पे आती है उनको ECG करना पड़ता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ पे मेल जो है आदमी लोग जो है फीमेल्स का जो ECG करवाते हैं, टेक्नीशियंस जो हैं ECG टेक्नीशियन ठीक नहीं है, इखलाकी तौर ठीक नहीं है, क्योंकि ECG ऐसा टेस्ट नहीं है कि इसमें कोई आपको कोई बड़ा टेक्निकल बंदा चाहिए कि वो ही कर सकता है। जैसे कोई हमारा मेल गायनेकोलॉजिस्ट है कहीं पे अवेलेबल है तो वहाँ पे मजबूरी है, उसकी डिलीवरी करानी है, या कोई बड़ा रेडियोलॉजिस्ट है मेल, उसको करना है। बट ECG जहाँ तक ताल्लुक है, ECG एक मल्टीपर्पज़ फीमेल हेल्थ वर्कर भी कर सकती है, एक नर्स भी कर सकती है, एक लैब टेक्नीशियन भी कर सकती है फीमेल, एक एक्सरे टेक्नीशियन फीमेल भी कर सकती है। ECG उनको सिखाना है, एक महीने का कोर्स करवाना है। ये खाली नागाम की प्रॉब्लम नहीं है, तकरीबन बहुत से अस्पतालों की प्रॉब्लम। मैंने एक मिसाल दे दी आपको, कुछ दिन पहले हमारे दोस्त यहाँ पे आए थे, कुछ उनके की अपनी मिसेज साथ में थी, शी वाज प्रेग्नेंट। उनको बताया गया कि इसका जो ECG करना है, जब अंदर ECG करने गए वहाँ पे मेल है ठीक नहीं। उसके अलावा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है वो ख़राब पड़ी है, पता नहीं कितने महीनों से उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। और गरीब अवाम आती है दूर दराज इलाकों से, लूलीपुरा से, वतकुलूस से, आपके नीलनाग से, गोगजपथरी से, वो एक उम्मीद से आते हैं यहाँ, फिर उनको जाके प्राइवेट में कराना पड़ता है। इस वीडियो के ज़रिए से मैं हुकाम से गुजारिश करूँगा, डायरेक्टर हेल्थ जो हूँ उनसे गुजारिश करूँगा कि जो ये आपको जो ECG है, खुदा के वास्ते हर किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने कम से कम एक या दो लेडीज़ को आप रखें, जो आपके पास ऑलरेडी मल्टीपर्पज़ फीमेल हेल्थ वर्कर्स या नर्सेज हैं या लैब टेक्नीशियन फीमेल्स हैं या एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, उनको ट्रेनिंग करवाइए, ट्रेन करवाइए उनको ECG में, और उनसे जो ECG करवाए फीमेल्स का। और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी यहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे भी जो है फीमेल टेक्नीशियंस नहीं होती हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उनको भी जो है वहाँ पे फीमेल टेक्नीशियन को रखना चाहिए। उसके अलावा जो इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है बहुत बहुत सारे महीनों से, उसको ठीक किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।